विक्रम मुंबई में रहता है, उससे मिलने मैं खुद जाऊंगा और बात करूंगा। अगर आपको हॉरर कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। विक्रम ठाकुर मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपना पूरा बिजनेस खुद की मेहनत से बनाया था। विक्रम अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहते थे। उसकी पत्नी एक समाज सेविका थी जो गरीब लोगों को हमेशा मदद करती थी, और उनका बेटा एक यूट्यूबर था, उसका नाम गणेश था। गणेश अपने यूट्यूब चैनल पर हॉरर स्टोरीज प्रोडकास्ट अपलोड करता था। यूट्यूब पर उसके कुछ खास फैंस नहीं थे, बट फिर भी उसका चैनल ठीक ही चल रहा था। विक्रम ठाकुर अपने बेटे गणेश से बहुत बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, क्योंकि गणेश को विक्रम के बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो विक्रम की बात कभी भी नहीं मानता था। इसलिए हमेशा गणेश और विक्रम में छोटी छोटी बातों पर अक्सर लड़ाई होती रहती थी। विक्रम को अपने बेटे गणेश पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए अपनी कंपनी के सबसे होशियार और इंटेलिजेंट एम्प्लॉई श्रुति सूर्यवंशी को अपनी कंपनी का सीईओ बना दिया। श्रुति बचपन से ही बहुत खूबसूरत लड़की थी, और खूबसूरती के साथ साथ वो बहुत होशियार भी थी। गणेश और श्रुति एक ही कॉलेज में थे, और उन्हीं दिनों से गणेश श्रुति से प्यार करता था, लेकिन वो श्रुति को कहने के लिए डरता था। लेकिन एक दिन गणेश ने हिम्मत करके श्रुति को प्रपोज कर दिया। वो दिन वैलेंटाइंस डे था, पर गणेश की ये बात सुनकर श्रुति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, और वो गणेश पर गुस्से से बरस पड़ी और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हो कौन? मैंने तुम्हें दोस्त क्या माना? तुमने तो इसका गलत मतलब निकाल दिया। इस पर गणेश ने कहा, श्रुति, मैं कॉलेज के दिनों से ही तुमसे प्यार करता हूँ, खर संग तो आई शपथ। इस पर श्रुति ने कहा, तुमची सटकली आहे का? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे कंपनी की सीईओ हूँ, और मैं आज जो कुछ भी हूँ वो अपने टैलेंट और मेहनत की वजह हूँ। बहुत लोगों के लिए मैं एक इंस्पिरेशन और रोल मॉडल हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें तो कोई भी नहीं जानता, बस तुम अपने डैड के पैसों पर जीते हो, और तुम मुझे प्रपोज करने चले हो? तुम नालायक हो और नालायक ही रहोगे। ऐसा कहकर श्रुति वहां से चली गई। श्रुति की ये कड़वी बातें सुनकर गणेश को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, और अकेले में बैठकर वो रोने लगा। उसके कुछ देर बाद वहां पर उसके डैड विक्रम आ गए, और उन्होंने गणेश से कहा, क्या हुआ, रो क्यों रहा है, अब क्या किया तूने? इस पर गणेश ने कहा, कुछ नहीं डैड, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। विक्रम ने कहा, क्यों नहीं रहना है? तूने यहाँ पर कुछ नई मुसीबत खड़ी कर दी है क्या? गणेश ने कहा, डैड, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, और डैड, जब मैं वापस आऊँगा तब आप जो कहोगे वही करूँगा, बिजनेस में भी आपकी हेल्प करूँगा। इस पर विक्रम ने कहा, क्या ये तुम कह रहे हो? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ठीक है बेटा, तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाओ। बोलो, कहाँ जाओगे? गणेश ने कहा, डैड, मैं हमारे गांव जाना चाहता हूँ, रामनगर गांव। गणेश की ये बात सुनकर विक्रम बहुत ही ज़्यादा डर गए, और उन्होंने गणेश से कहा, नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकते। गणेश ने कहा, क्यों नहीं जा सकता?
वो हमारा ही गांव है ना। बचपन से मैंने अपने गांव को अभी देखा तक नहीं। नहीं प्लीज डैड, मुझे जाने दीजिए। गणेश की ये बात सुनकर विक्रम अपने मन में कुछ सोचने लगे। यार इसे अचानक क्या हुआ? ये रामनगर गांव क्यों जाना चाहता है? वहां पर तो वो मोहिनी है, कहीं उसने मेरे गणेश को कुछ किया तो? पर अगर ये खुद को सुधारना चाहता है तो उसे रामनगर भेजना ही सही होगा। गणेश ने विक्रम से कहा, क्या हुआ डैड, कहाँ खो गए आप? विक्रम ने कहा, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन तुम हमारी हवेली में नहीं रह सकते। अगर तुम होटल में रहोगे तभी तुम्हें परमिशन दूंगा। गणेश ने कहा, लेकिन क्यों? विक्रम ने कहा, मैंने कहा नो मीन्स नो। बोलो, अगर तुम होटल में रहोगे तभी तुम जा सकते हो। गणेश ने न चाहते हुए कहा, ठीक है मैं हवेली में नहीं रहूंगा, अब तो जा सकता हूँ? विक्रम ने कहा, ठीक है तुम जा सकते हो।